आज हम मौजूद है MCN समाचार के तरफ से बाईजीपुरा एक नंबर गली के अंदर, और यहाँ की जनता की क्या समस्या है, आइए हम यहाँ की जनता से बात करते हैं। क्या प्रॉब्लम है बाजी? भैया पूरे पानी आता है, पूरे ड्रेनेज का लाइन भर जाती है, वही पीना का पानी हमने बोलो तुम, अब बीमार हो जा रहे हम लोग, कैसा पीना कैसा रहना हम लोगों ने, संडास का भी पानी वही नलों में वही पानी हो जा रहा, ड्रेनेज भी गचागच भर जा रही, घरों के सामने पानी आ जा रहा, कैसे जिएंगे लोग? प्रॉब्लम है, दो चार पाँच छह साल से गंज बोल बोल के परेशान हो गए, मगर कोई लीडर हमारे कोई काम ही नहीं कर रहा। महानगर पालिका के अधिकारी कोई नहीं आते, कोई नहीं आते महानगर पालिका, कोई आदमी आते ना कोई औरत आते, जब हम फोन लगाए तो बोलते है कि आ जाएंगे जाएंगे। जो रहवासी है गली के, यहाँ पे कभी आपने कंप्लेंट नहीं की? बहुत गलत जगह कंप्लेंट करे, ऐसा नहीं की नहीं करे, करके वहाँ जाके एक नंबर में दो नंबर में हमने कंप्लेंट भी करे की भैया हमारे ड्रेनेज भर जा रहे, हमारे घरों में पानी घुस जा रहा, क्या करेंगे बोलते हम। आपने औरंगाबाद के म्यूनिसिपल कमिश्नर पांडे साहब तो बोलते हैं कि औरंगाबाद सिटी स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी लगता है क्या आप? काय का स्मार्ट सिटी है, तो मैं बोल रहा ना झोपड़ पट्टी के काबिल की नहीं है ये, झोपड़ पट्टी भी नहीं, झोपड़ पट्टी भी सीधा नहीं रहेंगी ये, स्मार्ट तो कहा रह गई वो, मगर झोपड़ पट्टी के काम की भी नहीं रही है जमीन ना, कचरे वाला आ जा रहा क्या, तो आठ दिन में कचरा वाला आ रहा, चार दिन में कचरा वाला आ रहा, और देखो पूरे घाम पड़ी हुई हमारे घरों के सामने। हमारे तो पूरे घर में पानी तुमा हुआ है, पूरे बच्चे गिर रहे उसके अंदर पानी इतना थमा हुआ है घर के अंदर, और बुला के साफ कराए तो वो कुछ साफ करने वाले पैसे लेते, साफ करते चले जाते। पाँच छह साल से ये चालू, हाँ पीछे से पूरे पाइपलाइन का पानी देखो, चंबर का पानी देखो, नलों में देखो, पीने को पानी वही चाहता डेनिस का, बच्चे धड़ाधड़ गिर रहे उसके अंदर। ये गली में जो है तो कंटिन्यू सिर्फ चंबर का ही पानी आ रहा, तुम आगे नल आते टाइम देखिए तो पूरा सिर्फ गटर का पानी आ रहा, और पूरी पाइपलाइन चंबर लाइन पूरी भरी हुई, कम से कम छः सात साल से वही है मामले। गली में पूरा कचरा पड़े हुआ देखो आप, तुम पूरी गलियाँ उधर की साफ होती, हमारी गली में कोई झाड़ू मारने वाला नहीं आता, झाड़ू देने वाले बोलते कोई भी नहीं आता, नल आते जब पूरा चंबर का पानी आता नल के अंदर, कम से कम आधा घंटा काला पानी आता, पूरा काला पीला पानी आता, कम से कम आधा घंटा पानी रहता वो पूरा, हाँ आधा घंटे एक घंटे पानी देता, आधा घंटा फेंक देना पड़ता है, हाँ पूरा नक चौका हो जाते वो, फिर बाद में अच्छा अच्छा था पानी। ये पाँच छः साल मसला है भाई, चंबर लाइन का पीने का पानी का, ये पूरा पानी नल आए तो पूरा पानी बता वो बद्दी मार के चल जाते सिर्फ। बैजीपुरा एक नंबर गली का मसला ही है, यहाँ चंबर की बहुत दिक्कत हो रही है मेन बात, और कंटिन्यू गंदा पानी बहता है, लोग नमाजों के लिए जाते हैं इसलिए भी बहुत तकलीफ होती है, और जो पानी आता नल का चार पाँच आठ दिन में आता हो और वो भी आधा घंटा आठ दस दिन बाद आता है, और गंदा पानी पूरा चालू रहता है उसके अंदर आधे घंटे तक। आए दिन पानी की समस्या है यहाँ एक नंबर गली में, और ये देखो आप वहाँ से कैमरा मार सकते हो, पूरा कचरा, और आप पानी तकरीबन नहीं बोले तो आधा घंटा पूरा गंदा पानी, और चंबर का प्रॉब्लम तो पाँच छः साल से है, हम सब अधिकारी को बोले, हर किसी को जा जाके बोले, मगर कोई आता नहीं, कोई एक्शन नहीं, लाइन चेंज नहीं करते कुछ नहीं कुछ, किसी को भी जाके बोलते तो बोलते हाँ हाँ आ जाते, मगर कोई नहीं आता। ये इंदिरा नगर बाजीपुरा गली नंबर एक में पानी का तो प्रॉब्लम है, साथ में ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, और प्लस जो है तो यहाँ पे कोई कचरा वचरा उठाने के वास्ते में आती नहीं, गाड़ी वालों को जब बोलेंगे तो गाड़ी वाले आते कोई भी टाइमिंग में आएंगे, कभी भी जो है तो आएंगे और कभी भी जाएंगे। ये रोड भी अभी तक बनाए नहीं, ना कुछ रोडों की साफ सफाई है, ना कुछ गलियों की साफ सफाई है, ना कचरा उठाने वाले कोई आए, ना कुछ भी नहीं क्या अभी नहीं। महानगर पालिका से सिर्फ हमारी मांग ये है कि हमारे को जो है तो जो पीने का जो पानी आता है उसमें पूरा एकदम ड्रेनेज का काला काला पानी आता, तो ये पानी की पाइपलाइन अलग करे और ड्रेनेज की पाइपलाइन जो है तो अलग करे, और उसके साथ में जो है तो पूरी साफ सफाई हो। ये सामने जो है तो उन्होंने चंबर डाले, लेकिन ये नाम की वजह से चंबर डाले, इसके अंदर ना कोई पाइपलाइन है ना कुछ है ना क्या है, पीछे पाँच फीट की जो गली थी वो गलियों के अंदर पाइपलाइन है, और जो ढाई ढाई तीन तीन फीट के उनके चंबर है उसके अंदर पूरा भर जाता वो, और पूरे घरों के अंदर पानी उबलता हमारे। हाँ ना कचरे वाले आते नहीं, आठ आठ दिन नल हो जाते, पानी पहले पूरा काला आता, दस दिन हो जाते। ये हम आए जब से, हम तो 15-20 साल हो गए हमारे को आके यहाँ पे, ये 20-21 साल हो गए, 20-21 साल, हाँ तो जब से डेनिस का तो परेशानी थी हमारे पानी। तो आज आपने देखा हमने एक नंबर गली बाईजीपुरा एक नंबर गली के जनता से बात की है, महानगर पालिका जो है इस गली के ताल्लुक से काफी लापरवाही बरत रही है, ना ही यहाँ पे चैम्बर लाइन बराबर है, ना ही यहाँ पे इन्हें पीने का पानी साफ मिलता है, 6-7 दिन में एक बार मिलता है लेकिन गंदा पानी आता है इन्हें पीने के लिए, और इनके घर में पूरी चैम्बर लाइन का पानी घुस जा रहा है, और यहाँ की जनता की इतनी मांग है जल्द से जल्द यहाँ पे नवी चैम्बर लाइन डाली जाए और पीने का पानी इन्हें साफ दिया जाए। बस आज के लिए इतना ही, आप देखते रहिए MCN समाचार, खान राफे मोहम्मद के साथ।